हेलो एवरीवन, वेलकम टू ITLS एकेडमी। आज के लेक्चर का टॉपिक है द टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। पहला पार्ट है सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, हम लोग ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। एक बार फिर से आपको याद कराती हूँ कि क्या क्या हम लोगों को पढ़ना है, कैसे चीज़ें आगे कॉम्प्लेक्स होती हैं। सबसे पहले सेल बनती है, सेल से फिर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बनता है, और उस सेलुलर लेवल के बाद में आता है टिश्यू लेवल। जब सेल्स एक साथ में आती हैं कॉम्पैक्ट फॉर्म में, तब वो टिश्यू का फॉर्मेशन करती हैं। सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ये जब आगे बढ़ता है, जब टिश्यूज कॉम्प्लेक्ट होते हैं, एक साथ में इकट्ठे हो जाते हैं कॉम्पैक्ट होके, तब वो ऑर्गेन बनाते हैं। फिर ऑर्गेन सिस्टम बन जाता है, और उस ऑर्गेन सिस्टम के बनने के बाद में जो हम लोग पढ़ते हैं कि कैसे वो जो सिस्टम्स हैं वो काम करते हैं। तो ये टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, और ये पहले पार्ट में हम लोग जो टॉपिक कवर करेंगे वो होगा टाइप ऑफ टिश्यूज एंड जंक्शंस। टिश्यू के टाइप कितने होते हैं और कैसे, जंक्शन क्या होता है। जंक्शन एक वो पार्ट होता है जिसमें कि टिश्यूज अपनी बातों का आदान प्रदान करते हैं, हम ये बोल सकते हैं। अगर इनडायरेक्टली बोले तो जो पासिस होता है इंफॉर्मेशंस का, केमिकल्स का, वो कैसे होता है, किस माध्यम से होता है, उसी को हम जंक्शंस बोलते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। टिश्यू, अ टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सेल्स। ये देखिएगा, ये सेल्स का एक ग्रुप है दैट यूजुअली हैव अ कॉमन ओरिजिन। जो सबसे ज्यादा ध्यान रखने वाली बात ये है, ये कॉमन ओरिजिन के होने चाहिए। ये नहीं कि कोई भी सेल आई और उन्होंने ग्रुप्स बना लिया, ढेर सारी सेल इकट्ठी हो गई, टिश्यू बन गया। जी नहीं, जब कॉमन ओरिजिन के टिश्यूज होंगे, जिनकी ओरिजिन सेम होगी, वही जब एक साथ में इकट्ठे होंगे तब जाके टिश्यू बनेगा। और ये होता कहाँ है ऑर्गेनाइजेशन, इन एन एम्ब्रियो एंड फंक्शन टुगेदर टू कैरी आउट स्पेशलाइज्ड एक्टिविटीज। सेल्स क्यों इकट्ठी हो जाती हैं एक साथ में, क्यों बनाती हैं वो टिश्यू, इसलिए ताकि वो एक साथ में इकट्ठी होके फंक्शन कर सकें और स्पेशल एक्टिविटीज को परफॉर्म कर सकें। अगला पॉइंट है द स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ अ स्पेसिफिक टिश्यू आर इन्फ्लुएंस्ड बाय फैक्टर्स सच एज द नेचर ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर मटेरियल दैट सराउंड्स द टिश्यू सेल्स एंड द कनेक्शंस बिटवीन द सेल्स दैट कंपोज द टिश्यूज। अब जो टिश्यू का स्ट्रक्चर बना है, जो उसकी प्रॉपर प्रॉपर्टीज तैयार हो गई हैं, वो किससे इन्फ्लुएंस होती हैं, क्या उन पर फर्क डाल सकता है, तो वो होता है कि जो एक्स्ट्रा सेलुलर मटेरियल है वो कैसा है। एक्स्ट्रा सेलुलर मटेरियल किसी भी सेल के चारों तरफ जो प्रेजेंट होता है उसी को एक्स्ट्रा सेलुलर मटेरियल बोला जाता है। तो ये जिसने टिश्यू को सराउंड करके रखा है डिपेंड करता है ये कैसा है, वो इसकी जो प्रॉपर्टीज होंगी उनको इन्फ्लुएंस करेगा। इन्फ्लुएंस का मतलब होता है वो अपना प्रभाव डालेगा। इसके अलावा जो कनेक्शन होते हैं एक सेल के साथ में दूसरी सेल के साथ में, जो कनेक्शन होते हैं वो भी प्रभावित करते हैं इनकी एक्टिविटीज़ को। हिस्टोलॉजी, हिस्टोलॉजी इज द साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ टिश्यूज। जो टिश्यूज हैं इनकी स्टडी को एक स्पेसिफिक ब्रांच में रखा गया है जिसको कि हम बोलते हैं हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी में हम टिश्यूज के बारे में पढ़ते हैं। अ पैथोलॉजिस्ट इज अ फिजिशियन हु एग्जामिन सेल्स एंड टिश्यूज टू हेल्प अदर फिजिशियंस मेक एक्यूरेट डायग्नोसिस। जो पैथोलॉजिस्ट होते हैं, जहाँ पे नॉर्मल अगर हॉस्पिटल्स की बात करें, आप जाते हैं पैथोलॉजिस्ट को, फिजिशियंस को दिखवाते हैं कि कौन सी डिशीज़ है, कैसे क्या हो रहा है, तो वो क्या करते हैं, वो सेल्स एंड टिश्यूज की हेल्प से ही डायग्नोज करते हैं कि क्या प्रॉब्लम है बॉडी में, क्यों जो जो भी डिफ़िकल्टीज हो रही हैं वो क्यों हो रही हैं। आगे चलते हैं टाइप्स ऑफ टिश्यूज।
जो टिश्यूज होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं? तो देखिएगा, सबसे पहला है एपिथेलियल टिश्यू, दूसरा है कनेक्टिव टिश्यू, तीसरा है मस्कुलर टिश्यू एंड चौथा है नर्वस टिश्यू। एक ब्रीफ ओवरव्यू देती हूँ पहले चारों का। एपिथेलियल टिश्यू, एपिथीलियम का मतलब होता है एक आउटर कवरिंग, तो मतलब वो टिश्यूज़ जो आउटर कवरिंग बनाने वाले हैं। दूसरा कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव क्या क्या ये डिफाइन कर रहा है? कनेक्टिव है मतलब कुछ चीज़ों को ये कनेक्ट कर रहा है, ये कुछ चीज़ों को कनेक्ट करने वाला टिश्यू है। अगला है मस्कुलर टिश्यू, नाम में ही छुपा हुआ है, ये मसल्स बनाने वाला टिश्यू है। अगला है नर्वस टिश्यू, नर्वस टिश्यू नर्वस सिस्टम के फॉर्मेशन में उसके जो फंक्शंस होते हैं उनमें हेल्प करता है। तो चलिए अब हम लोग डिटेल में देखते हैं इनको। सबसे पहला है एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू कवर्स बॉडी सरफेस, पूरे शरीर पे हमारी जो स्किन है वो क्या है, वो एक टाइप का एपिथेलियल टिश्यू ही तो है, वो हमारी बॉडी के सरफेस को कवर कर रहा है। इसके अलावा ये क्या करता है, लाइंस हॉलो ऑर्गेन्स, जो हॉलो ऑर्गेन्स होते हैं उनकी लाइनिंग को बनाता है, बॉडी कैविटीज को बनाता है, डक्ट्स को बनाता है एंड इट ऑल्सो फॉर्म्स ग्लैंड। देखिएगा एपिथेलियल टिश्यूज कितनी ब्रॉड रेंज में फैले हुए हैं। सबसे पहले तो बॉडी की सरफेस ही बना रहे हैं, सबसे बड़ा एरिया ये कवर कर रहे हैं। इसके अलावा ऑर्गेन्स में, कैविटीज में, डक्ट्स में कहाँ कहाँ यूज हो जा रहे हैं। अगला है कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू प्रोटेक्ट्स एंड सपोर्ट्स द बॉडी एंड इट्स ऑर्गेन। कनेक्टिव टिश्यू हेल्प करते हैं बॉडी को प्रोटेक्ट करने में किसी भी इन्फेक्शन से, किसी भी डिसीज से, और बॉडी के ऑर्गेन्स को सपोर्ट करते हैं। ये कैसे सपोर्ट करते हैं, कुछ एग्जांपल्स देखते हैं इनके, तब हम अच्छे से समझ सकते हैं। वेरियस टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज बाइंड ऑर्गेन्स टुगेदर। बहुत से ऐसे कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं जो ऑर्गेन्स को एक साथ में ज्वाइन करके रखते हैं, बाइंड करके, बांध के रखते हैं। इसके अलावा क्या करते हैं, स्टोर एनर्जी रिजर्व एज फैट, फैट को भी स्टोर करते हैं कनेक्टिव टिश्यूज। और क्या करते हैं, एंड हेल्प प्रोवाइड द बॉडी विद इम्यूनिटी। सबसे बड़ा फंक्शन इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं टू डिसीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म, और यही सबसे इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो डिफेंस में, जो इम्यून सिस्टम में टिश्यू फंक्शन करते हैं वो कौन से टिश्यूज होते हैं। आंसर इज कनेक्टिव टिश्यू। अब ये इम्यूनिटी में कैसे हेल्प करते हैं बताती हूँ। आप लोगों ने नाम सुना होगा फ्लूड कनेक्टिव टिश्यू का। फ्लूड कनेक्टिव टिश्यू का एग्जांपल होता है ब्लड। ब्लड में क्या होता है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। अब जो ब्लड में डब्ल्यूबीसी है वो क्या है, डब्ल्यूबीसी ही तो मेन होता है जो कि बॉडी के डिफेंस सिस्टम में हेल्प करता है। बॉडी का पूरा इम्यून सिस्टम डिपेंड करता है डब्ल्यूबीसीज पे, क्योंकि उसी में फैगोसाइटिक सेल्स होती हैं। इसके अलावा डिफेंस से बचने के लिए जितनी भी सेल्स होती हैं सारी ही डब्ल्यूबीसीज में ही होती हैं। तो इसीलिए ये जो ब्लड होता है यही रिस्पॉन्सिबल होता है इम्यूनिटी के लिए। हालांकि आगे इसको हम लोग डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, लेकिन फिर भी ये ऐसा पॉइंट है जहाँ से क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा जा सकता है, इसलिए मैंने पहले ही बता दिया है एक ओवरव्यू आपको, ताकि आप इस चीज़ पे फोकस करके पढ़ पाएं। अगला है मस्कुलर टिश्यू। मस्कुलर टिश्यू इज कंपोज्ड ऑफ सेल्स स्पेशलाइज्ड फॉर कॉन्ट्रैक्शन एंड जेनरेशन ऑफ फोर्स। ऐसी सेल्स होती हैं, मस्कुलर टिश्यू ऐसी सेल्स से बने हुए होते हैं जो कि कॉन्ट्रैक्शन के लिए और फोर्स जेनरेशन के लिए हेल्प करती हैं। कॉन्ट्रैक्शन कैसे, आप अगर बात करें, आप अपने हाथ को स्ट्रेच करते हैं, कैसे करते हैं, कॉन्ट्रैक्शन होता है, रिलैक्सेशन होता है।
फोर्स का जेनरेशन होता है। आपको फोर्स लगाना हो, हाथ का यूज करते हैं, ये कैसे कर पा रहे हैं? मस्कुलर टिश्यूज ही तो हेल्प कर रहे हैं इसमें। इन द प्रोसेस मस्कुलर टिश्यू जेनरेट हीट। इस प्रोसेस में क्या होता है, मस्कुलर टिश्यूज हीट को जनरेट करते हैं एंड दैट वॉर्म्स द बॉडी। आप देखिए, आप बहुत देर तक जब काम करते हैं, फिजिकली आप वॉक कर रहे हैं, आपको पसीना आता है, आपका बॉडी गर्म हो जाता है, हीट निकलती है, तो ये मस्कुलर टिश्यूज इन्हीं की हीट होती है, यही हीट को जनरेट करते हैं और उसमें ये एनर्जी का यूज करते हैं, जो बॉडी में फूड के थ्रू एनर्जी ली जाती है, ये उसको हीट के फॉर्म में रिलीज करते हैं जब ये वर्क करते हैं। अगला टाइप ऑफ टिश्यू है नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू डिटेक्ट्स चेंजेस इन अ वैरायटी ऑफ कंडीशंस इनसाइड एंड आउटसाइड द बॉडी। शरीर के बाहर और शरीर के अंदर दोनों ही जगह का जो भी कंडीशन में चेंज होता है उसको डिटेक्ट करते हैं। कैसे, आपको बाहर एनवायरमेंट में गर्मी हो रही है, आपको गर्मी लगती है, सर्दी हो रही है, आपको सर्दी लगती है, इसके अलावा अंदर की जो कंडीशंस हो रही हैं, आपको भूख लग रही है, आपको प्यास लग रही है, सारी चीज़ें कंट्रोल हो रही हैं और ये कौन कर रही है, ये सब नर्वस टिश्यू ही रिस्पॉन्सिबल हैं इसके लिए। इसके अलावा ये सिर्फ इसको डिटेक्ट ही नहीं करते हैं, रिस्पॉन्ड बाय जनरेटिंग इलेक्ट्रिकल सिग्नल कॉल्ड नर्व एक्शन पोटेंशियल्स। ये इन सिग्नल्स को रिस्पॉन्ड भी करते हैं। और जैसे कि आप जब आपको सर्दी लगती है, आप क्या करते हैं, कुछ ना कुछ पहन लेते हैं, ये क्या है, ये आउटसाइड वाला एक्शन है, ये आपने परफॉर्म किया, इसके लिए आपको सिग्नल मिला बॉडी से। इसी तरीके से बॉडी के इनसाइड भी बहुत सी एक्टिविटीज़ होती हैं जिनके लिए ये रिस्पॉन्ड करता है। जैसे कि कभी आपका हाथ गर्म तवे पे पड़ जाए, क्या होता है, तुरंत ये आपके बाहर से नहीं आता है कि आप हटाइए, बाहर से कोई आके नहीं हटाता है, ये आपको अंदर से सिग्नल मिलता है कि हाथ को हटाइए, आप हाथ हटाते हैं वहाँ से। ये रिस्पॉन्स कहाँ से आया, ये रिस्पॉन्स आया नर्वस टिश्यूज से। और ये क्या करता है, दैट एक्टिवेट मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन एंड ग्लैंडुलर सिक्रीशंस। बहुत से सिक्रीशंस किए जाते हैं, मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन होता है और इसके अलावा भी बहुत सी प्रोसेस के थ्रू ये नर्वस टिश्यू रिस्पॉन्ड करते हैं चीज़ों को। इनके सब के बारे में हम पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक डायग्राम दिखाया गया है, आप देख सकते हैं सारे ही टिश्यूज जितने हमने पढ़े चार टाइप के, उनके बारे में सबकी बहुत ब्यूटीफुल सी पिक्चर जहाँ से आप इजिली समझ सकें। ये एपिथेलियल टिश्यू का डायग्राम है, आप देख सकते हैं इनका स्ट्रक्चर किस हिसाब से बना हुआ है। नेक्स्ट है कनेक्टिव टिश्यू, देखिए कनेक्ट कर रहे हैं कैसे, देखिए फाइबर्स निकले हुए हैं, कुछ भी यहाँ से वहाँ से जा रहे हैं और कनेक्ट कर रहे हैं एक दूसरी शेल को, कुछ पोर्स के थ्रू भी कनेक्शन हो सकता है, कुछ अंदर ही सेल के अंदर कनेक्शन हो सकते हैं। इन सारी जो कनेक्शन में हेल्प करता है उसको कनेक्टिव टिश्यू बोलते हैं। अगला आता है मस्कुलर टिश्यू। मस्कुलर टिश्यू का स्ट्रक्चर देखिएगा, ये मसल्स में होते हैं। और नेक्स्ट वन नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू का उम्मीद है सभी को पता होगा स्ट्रक्चर, कैसे एक एक्सॉन होता है, डेंड्राइट होता है और वो एक नर्व फाइबर का फॉर्मेशन करते हैं। अगला है सेल जंक्शंस। सेल्स एक दूसरे से कनेक्टेड होती हैं, जंक्शंस के फॉर्मेशन होते हैं ताकि वो एक दूसरे से कनेक्टेड रह सकें, और ये जंक्शंस हेल्प करते हैं कांटेक्ट करने में एक दूसरे सेल्स और टिश्यूज को। सेल जंक्शंस आर कांटेक्ट पॉइंट्स। सेल जंक्शंस कांटेक्ट पॉइंट हैं बिटवीन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ टिश्यू सेल्स। टिश्यू की जो सेल्स हैं, बहुत सारी सेल्स एक साथ में इकट्ठा हुई हैं, उनके बीच में कांटेक्ट कौन करवा रहा है, यही जंक्शंस हैं जो कि उनके बीच में कांटेक्ट करवा रहे हैं। सेल्स एक दूसरे से कनेक्टेड हैं।
कौन कौन से टाइप होते हैं जिनसे कि सेल्स कनेक्टेड होती हैं, अपना फंक्शन करती हैं, अपनी बातें एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाती हैं। सो द टाइप्स ऑफ सेल जंक्शंस आर टाइट जंक्शन, एडहेरेंस जंक्शन, डेस्मोसोम्स, हेमिडेस्मोसोम्स एंड गैप जंक्शंस। ये कुछ टाइप हैं जो कि मेन टाइप्स हैं जिनके द्वारा सेल्स कम्युनिकेट करती हैं। तो चलिए इनके बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। सबसे पहला है टाइट जंक्शन। टाइट, नाम ही है टाइट, तो ये क्या कर रहा होगा, ये कुछ ऐसा करेगा कि किसी भी सेल के बीच में कोई कम्युनिकेशन ना हो जाए। ये कुछ बहुत टाइट तरीके का जंक्शन बनाएगा और इन्फॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह पे पास नहीं होने देगा। टाइट जंक्शंस कंसिस्ट ऑफ वेव लाइक स्ट्रैंड्स ऑफ ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन। ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन्स की एक कह सकते हैं, आप सभी ने ज़्यादा देखा होगा, उनमें वेव लाइक एक नेट लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसी तरीके का कुछ ये जंक्शन बनाते हैं। दैट फ्यूज टुगेदर, ये वेब्स एक दूसरे के साथ में जुड़े हुए होते हैं, ये ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन्स मिलके जो फ्यूज हो जाती हैं उसके बाद में टुगेदर द आउटर सरफेस ऑफ द एडजेसेंट प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स टू सील ऑफ पासेज वेज बिटवीन एडजेसेंट सेल्स। किन्हीं भी दो सेल्स के बीच में किसी भी चीज़ का आदान प्रदान ना हो, ये इसका खास ख्याल रखती हैं, ये सील कर देती हैं जो पाथवे होता है, जो पासेज वे होता है उसको आसपास की सेल्स में। अगला है एडहेरेंस जंक्शन। एडहेरेंस का मतलब ही बताता है, ये कुछ इस तरीके से होती हैं कि आसपास की सेल्स को बहुत ही पास में अटैच करके रखती हैं, कुछ ही चीज़ों को ये आदान प्रदान करवाती हैं और ये काफ़ी टाइटली पैक्ड लेयर होती हैं। सो एडहेरेंस जंक्शंस कंटेन प्लेक, प्लैक भी कहा जाता है, प्रोटीन्स, काफ़ी डेंस लेयर, काफ़ी मोटी लेयर होती है प्रोटीन्स की ऑन द इनसाइड ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर साइड में अगर ये कोई सेल है, ये सेल का प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, तो इसके अंदर साइड में ये डेंस लेयर होगी प्रोटीन की, दैट अटैचेस बोथ द मेम्ब्रेन प्रोटीन्स, दोनों ही मेम्ब्रेन प्रोटीन एंड माइक्रोफिलामेंट ऑफ द साइटोस्केलेटल, मेम्ब्रेन की प्रोटीन के साथ में और ये माइक्रोफिलामेंट कुछ फाइबर्स अंदर प्रेजेंट होते हैं, इन दोनों के बीच में ये कॉन्टैक्ट बनाती है, दो चीज़ों को एक दूसरे के साथ में जोड़ के रखने में, एडहेयर करके रखने में हेल्प करती है, इसीलिए इनका नाम होता है एडहेरेंस जंक्शन। यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल दिखाए गए हैं सारे के, हालांकि मैंने अभी कंप्लीट नहीं किया है, तो चलिए पहले कंप्लीट कर लेते हैं, वापस आते हैं इस डायग्राम पे। अगला डेस्मोसोम्स होते हैं जंक्शन, ये एडहेरेंस जंक्शन की तरह ही होते हैं। डेस्मोसोम्स कंटेन प्लेक, इनमें भी प्लेक होता है और एडहेरेंस जंक्शंस में भी प्लेक था, एंड हैव ट्रांस मेम्ब्रेन ग्लाइकोप्रोटीन्स, इनमें ट्रांस मेम्ब्रेन ग्लाइकोप्रोटीन्स होती हैं और ग्लाइकोप्रोटीन्स में भी कैडहेरेंस होती हैं जो एक सेल को दूसरी सेल के साथ में जोड़ के रखने में हेल्प करती हैं। दैट एक्सटेंड्स इनटू द इंटरसेलुलर स्पेस बिटवीन एडजेसेंट सेल मेम्ब्रेन्स एंड अटैच सेल टू वन अनदर, ये इस तरीके से काम करती हैं कि सेल्स के इंटरसेलुलर स्पेस के बीच में ये पहुंच जाती हैं, जो कैडहेरेंस होती हैं ये ट्रांस मेम्ब्रेन होती हैं और सेल के अंदर तक पहुंची रहती हैं और फिर ये दूसरी सेल के साथ में जुड़ के ये कम्युनिकेशन में हेल्प करती हैं। दीज स्पॉट वेल्ड लाइक जंक्शंस आर कॉमन अमंग दी सेल्स दैट मेकअप द एपिडर्मिस, जो आउटर लेयर बनाती हैं उन्हीं में ये जंक्शंस, दैट इज कैडहेरिन जंक्शन या डेस्मोसोम्स जो होते हैं वो ज़्यादातर पाए जाते हैं। नेक्स्ट है हेमी डेस्मोसोम्स।
हेमी डेस्मोसोम्स, हेमी का मतलब होता है हाफ, ये डेस्मोसोम्स की तरह होते हैं लेकिन हाफ डेस्मोसोम्स की तरह होते हैं, एग्जैक्टली सेम नहीं होते। सो द हेमी डेस्मोसोम्स रिसेम्बल क्रोमोसोम, सॉरी रिसेम्बल डेस्मोसोम्स, डेस्मोसोम्स की तरह ही होते हैं लेकिन डिफरेंस कहाँ पे होता है, बट दे डू नॉट लिंक एडजेसेंट सेल्स। अब ये क्या कर रहे थे, ये सेल्स को एक दूसरे से अटैच कर रहे थे, एक दूसरे से लिंक कर रहे थे, लेकिन हेमी डेस्मोसोम्स ऐसा नहीं करते। स्ट्रक्चर तो इनका सेम होता है, रिजेंबल करते हैं डेस्मोसोम से, लेकिन डेस्मोसोम की तरह ये एडजेसेंट सेल्स को लिंक नहीं करते। एक और मेजर डिफरेंस आता है हेमी डेस्मोसोम्स में, वो ये ट्रांसमेम्ब्रेन ग्लाइकोप्रोटीन्स इन हेमी डेस्म आर इंटेग्रिन्स। ट्रांसमेम्ब्रेन ग्लाइकोप्रोटीन्स कौन सी थी, डेस्मोसोम्स में थी कैडेरिन, जो कि सेल को सेल से जोड़ती हैं, लेकिन इनमें हेमी डेस्मोसोम्स में ये इंटेग्रिन्स होती हैं रेदर देन कैडेरिन्स। हेमी डेस्मोसोम्स एंकर सेल्स नॉट टू ईच अदर बट टू द बेसमेंट मेम्ब्रेन। हेमी डेस्मोसोम एक दूसरे से नहीं अटैच करते हैं, ये बेसमेंट मेम्ब्रेन से अटैच करवाते हैं। जैसे कि अगर मैं आपको समझाना चाहूँ तो ये कोई सेल है और ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है, तो इनके अटैच होने में जो हेल्प करेंगे वो होंगे हेमी डेस्मोसोम, और विद द हेल्प ऑफ इंटेग्रिन्स ये अटैच करेंगे दो सेल्स को। नेक्स्ट है गैप जंक्शंस। गैप का नाम ही बता रहा है, ये कुछ ऐसे जंक्शंस होंगे जो कि डायरेक्टली एकदम ओपनली खुले हुए होंगे, आराम से गैप से आदान प्रदान करवाएंगे। सो एट गैप जंक्शंस मेम्ब्रेन प्रोटीन्स कॉल्ड कनेक्शंस। कनेक्शन ऐसी प्रोटीन्स होती हैं जो कि फॉर्मेशन करती हैं गैप जंक्शन का। दीज कनेक्शंस फॉर्म टाइनी फ्लूड फिल्ड टनल। ये कनेक्शन क्या करती हैं, फ्लूड फिल्ड टनल बनाती हैं, जिनको कहा जाता है कनेक्सॉन। देखिएगा मेन इंपॉर्टेंट चीज़, जहाँ से डायरेक्टली आप क्वेश्चन में फंस सकते हैं, प्रोटीन्स का नाम है कनेक्शन लेकिन वो बना क्या रही हैं, कनेक्सॉन। तो गैप जंक्शन का नाम क्या होगा, कनेक्सॉन। दैट कनेक्ट नेबरिंग सेल, ये क्या करते हैं, आसपास के सेल्स को डायरेक्टली लिंक करते हैं, कुछ इस तरीके से ये डायरेक्टली लिंक करेंगे, सेल्स के आर पार चीजें आ जा सकती हैं। अगर बात करें गैप जंक्शंस के एग्जांपल की, तो प्लांट्स में सभी ने प्लाज्मोडेस्मेटा का नाम सुना होगा, प्लाज्मोडेस्मेटा गैप जंक्शंस का ही एक एग्जांपल होते हैं। चलिए वापस आते हैं इस इमेज पे, हमने छोड़ दी थी इसको, मैंने इसलिए छोड़ा था क्योंकि अब आपके माइंड में एक ओवरव्यू आ चुका है हर प्रकार के जंक्शन का, तो अब इसको जब आप डायग्राम से देखेंगे ना तो चीज़ें एकदम से फिक्स हो जाएंगी, आपको बहुत इजीली समझ में आएंगी। तो देखते हैं सबसे पहले टाइट जंक्शन, ये देखिए दो सेल्स की दीवार है और इन्होंने टाइटली इसको बांध के, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और इन दोनों के बीच का ये इंटर सेलुलर स्पेस है दो सेल्स के बीच का, और ये जो हैं ये ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन्स हैं जो कि इनको जोड़ के रख रही हैं टाइट जंक्शन में। अगला एग्जांपल है एडहेरेंस जंक्शन का। एडहेरेंस जंक्शन देखिएगा कुछ इस तरीके से, ये बेवलाइक स्ट्रक्चर बना हुआ है और दो सेल्स एक दूसरे से एडहेर हैं, जुड़ी हुई हैं, इसमें टाइट जंक्शन में एकदम कॉम्पैक्टली पैक हैं, इनके बीच में कोई आ जा नहीं सकता, लेकिन इनके केस में ऐसा नहीं होता, आदान प्रदान हो जाता है थोड़ा बहुत, लेकिन ये फिर भी एक से दूसरे सेल से अटैच रहते हैं वेब लाइक स्ट्रक्चर से। नेक्स्ट एग्जांपल है डेस्मोसोम। डेस्मोसोम में क्या देखा था हमने, कैडेरिन, कैडेरिन प्रेजेंट होती हैं और एक सेल को दूसरी सेल से कनेक्ट करती हैं। ट्रांसमेम्ब्रेन ग्लाइकोप्रोटीन है कैडेरिन, देख सकते हैं आप, एक सेल से अटैच है और उसके बाद में ये दूसरी ट्रांसमेम्ब्रेन सेगमेंट है और अगले को भी कनेक्ट कर पा रहे हैं। अगला एग्जांपल है हेमी डेस्मोसोम।
इसमें क्या होता है, ये देखिए दो सेल्स एक दूसरे के साथ में कनेक्ट थी इन द केस ऑफ डेस्मोसोम, लेकिन हेमिडेस्मोसोम के केस में ऐसा नहीं होता। दो सेल्स ना कनेक्ट होके एक सेल बेसमेंट मेम्ब्रेन से कनेक्ट होती है। ये देखिए ब्लू कलर से बेसमेंट मेम्ब्रेन दिखाई गई है और इसके ऊपर ये सेल है। अभी इस सेल को बेसमेंट मेम्ब्रेन से कनेक्ट करके रखा है हेमिडेस्मोसोम जंक्शन ने। अगला है गैप जंक्शन। गैप जंक्शन में आप देख सकते हैं ये दो सेल्स की प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये कनेक्शन चैनल बने हुए हैं। कनेक्शन प्रोटीन ने मिलके कुछ इस तरीके से चैनल बना के रखे हैं, गैप बना के रखे हैं, और ये क्या करते हैं, चीज़ों के आदान प्रदान में, इजी ट्रांसपोर्ट में हेल्प करते हैं। ये सेल्स के बीच में अच्छा खासा गैप है, आप देख सकते हैं। तो अब हमारी सारी चीज़ें यहाँ पे ख़त्म हो गई हैं, जंक्शंस के बारे में भी हमने देख लिया है। सो थैंक यू गाइस, आज के लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। गाइस टू ज्वाइन एनी कोर्स ऑन ITLS Academy, यू कैन विजिट अवर वेबसाइट एंड यू कैन ऑल्सो फाइंड द लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। फॉलो ITLS Academy ऑन वेरियस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स लाइक इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब, व्हाट्सएप, लिंक्डइन एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू अवर यूट्यूब चैनल। थैंक यू वेरी मच एवरीवन, लाइक दिस वीडियो, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू अवर यूट्यूब चैनल। थैंक यू वेरी मच।